हम गोलियां खाए दिन दिहाड़े, वो हमें धमकाए, गन कल्चर दिखाकर वो हमें खालिस्तान की मूवमेंट में, खालिस्तान की आड़ में हमें डराने का प्रयास करें और हम अपनी बात भी ना रखें। भगत सिंह की तरह हम फांसी के फंदों को चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमृतपाल को पैदा नहीं होने देंगे पंजाब में। पर हिंदू सिख एक हो जाओ, ए अमृतपाल जैसे भैरूपियां तुसी मुंह ना लाओ। अमृतपाल को खुली चुनौती है कि अमृतपाल जहां मुझे बुलाएगा मैं वहां आऊंगा। आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में, अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में आर पार की लड़ाई लड़ेगी कि तुरंत अमृतपाल सिंह को नकेल कसी जाए, इसको तुरंत FIR दर्ज के गिरफ्तार किया जाए, सुधीर सूरी केस में 120B में इसको इन्वॉल्व किया जाए। हिंदुओं में आतंकवाद फैला रहा है, टेरर फैला रहा है। जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने जिस तरह दरबार साहब की पवित्रता भंग की, ऐसे ही पवित्रता जो है अब अमृतपाल सिंह भंग कर रहा है। अमृतपाल एक टेररिस्ट है, अमृतपाल की जगह तिहाड़ जेल है कि इसके ऊपर नकेल डाली जाए, नथ डाली जाए। ये बंदूकें डाल के अमृतपान करा रहा है और गुरुओं का अपमान कर रहा है। अमृतपाल सिंह कहता है जिन्हें सानू मिलना सीधा मिल ले, और मैनू दसे मैं बिना सिक्योरिटी से आवांगा, मैं बिना सिक्योरिटी तो लड़ांगा, मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उधम सिंह की तरह गोली खावांगा ते भी गोली मारांगा भी। पर हिंदू सिख एक हो जाओ, ए अमृतपाल जैसे भैरूपियां नू तुसी मुंह ना लाओ। अमृतपाल को खुली चुनौती है कि अमृतपाल जहां मुझे बुलाएगा मैं वहां आऊंगा। आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में, अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ज्ञापन में हमने कहा कि जो अमृतपाल सिंह है, जो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, हिंदुओं को टेररिज कर रहा है, सुधीर सूरी के हत्यारों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है, ये पंजाब के लिए जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला बन के आया है पंजाब में, ये पंजाब के अमन और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की आड़ में, खालिस्तान की मुहिम की आड़ में और गुरुकरों की आड़ में फिर पंजाब में 1984 बनाना चाहता है इस पंजाब को। फिर पंजाब के हिंदू और सिखों को जो 9 मास का रिश्ता है उसमें लंबू लाना चाहता है, पंजाब की अमन और शांति को लंबू लाना चाहता है, आग लगाना चाहता है। ये कौन है, कहां से आया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को अब तक इसके ऊपर FIR दर्ज करके इसको तब तक नज़रबंद रखना चाहिए था, तब तक जेल में रखना चाहिए था जब तक ये पता ना चल जाए कि दुबई में क्या करता था। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब की अमन के लिए आज महामहिम राज्यपाल से मांग करके आया है कि तुरंत अमृतपाल सिंह को नकेल कसी जाए, इसको तुरंत FIR दर्ज के गिरफ्तार किया जाए, सुधीर सूरी केस में 120B में इसको इन्वॉल्व किया जाए। हिंदुओं को जिस तरह ये धमका रहा है, हिंदुओं में आतंकवाद फैला रहा है, टेरर फैला रहा है कि जो मर्जी करके आओ, गन कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है। जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने जिस तरह दरबार साहब की पवित्रता भंग की, ऐसे ही पवित्रता जो है अब अमृतपाल सिंह भंग कर रहा है। अमृतपाल एक टेररिस्ट है, अमृतपाल की जगह तिहाड़ जेल है। हमने आज अमित शाह जी के नाम, मोदी जी के नाम गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया और मांग की कि इसके ऊपर नकेल डाली जाए, नथ डाली जाए। अमृत, ये बंदूकें डाल के अमृत पान करा रहा है, ये बंदूकें डाल के अमृत पान करा रहा है और गुरुओं का अपमान कर रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में, अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अमृतपाल सिंह कहता है जिन्हें सानू मिलना सीधा मिल ले, और मैनू दसे मैं बिना सिक्योरिटी से आवांगा, मैं बिना सिक्योरिटी तो लड़ांगा,
मैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उधम सिंह की तरह गोली खावांगा ते भी गोली मारांगा भी, पर हिंदू सिख एक हो जाओ। ए अमृतपाल जैसे भैरूपिया तुसी मुंह ना लाओ, और अमृतपाल को खुली चुनौती है कि अमृतपाल जहां मुझे बुलाएगा मैं वहां आऊंगा। और दुख की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से आज प्रेस के माध्यम से चंडीगढ़ में राजभवन के सामने, एक दिन भी आपने अमृतपाल सिंह को कंडेम्ड नहीं किया, एक दिन भी आप सुधीर सूरी के घर बैठने नहीं गए। ये अच्छी बात नहीं है, पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। खुलेआम गन कल्चर चल रहा है, गैंगस्टर का राज है, एक दिन भी आपने उनको कंडेम्ड नहीं किया। एंटी टेरर फ्रंट इंडिया ने आज राजभवन में पंजाब में एक ही बात कही कि अब आर पार की लड़ाई होगी, पंजाब में खालिस्तान, आतंकवाद, अमृतपाल, ये तीनों पैदा नहीं होने दिए जाएंगे। हम गोलियां खाएं दिन दिहाड़े, वो हमें धमकाएं गन कल्चर दिखाकर, वो हमें खालिस्तान की मूवमेंट में, खालिस्तान की आड़ में हमें डराने का प्रयास करें, और हम अपनी बात भी ना रखें। भगत सिंह की तरह हम फांसी के फंदों को चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमृतपाल को पैदा नहीं होने देंगे पंजाब में।